मेरा नाम है सौरभ और मेरे YouTube चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, दो क्लासेस चल रही हैं बल खाली 12th क्लास की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो एक दिन केमिस्ट्री एक दिन फिजिक्स कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा। कल एक फिर मेरी क्लास नहीं आई थी, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी और लाइट की वजह से मौसम खराब चल रहा है इस वजह से। तो फिजिक्स की क्लास अब चलेगी हमारी 12th क्लास की, ठीक है। केमिस्ट्री पहला जो स्थिर वैद्युतिकी का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, पहला आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, कूलाम का नियम, आवेश, सदिश निरूपण, कूलाम बल का। तो अब अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। व्हाट इज द विद्युत क्षेत्र, डालते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे कि हमारा एक आवेश होता है, ठीक है, एक आवेश कहीं रखा है हमारा और उसी जिस उसका एक एरिया होता है, ठीक है ना, उसका एक एरिया होता है। जैसे कि माने एक चुंबक है हमारे पास, ठीक है ना, माने ये हमारी चुंबक है, ये हमारी कोई चुंबक है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसके दो ध्रुव होते हैं, ये हमारी चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, ये एन है, ये इसका एस है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका एक क्षेत्र होगा जहां तक इसका प्रभाव होगा, जहां अगर हम दूसरी चुंबक को इसके क्षेत्र में लाएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। अगर हम मानो इस क्षेत्र में चुंबक को लेके आते हैं और ये इसका एस ध्रुव है और ये इसका एन ध्रुव है, तो ये क्या करेगी, ये करेगा प्रतिकर्षण, ठीक है, ये करेगी प्रतिकर्षण और इस चुंबक को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देगी। अगर ये मानो ये एन है और ये एस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण, ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, ये करेगा आकर्षण हो जाएगा, जिससे कि ये चुंबक आपस में चिपक जाएंगी। और माना अगर हम कोई चुंबक इस क्षेत्र से बाहर ला के रख रहे हैं, तो वो ना तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगी ना वो आकर्षण का अनुभव करेगी। माना एक दो एक चुंबक है, एक हमारे हम पे चुंबक रखी और एक माना कि मेरे इस हाथ में चुंबक है, ठीक है, एक इस हाथ में चुंबक है और एक इस हाथ में चुंबक है। अब क्या करेंगे, इस चुंबक का कोई क्षेत्र होगा जहां पे ये आके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। जैसे ही करेगी या प्रतिकर्षण करेगी, दूर हटेगी, आकर्षण बढ़ेगी, तो ये एकदम चिपक जाएगी। तो वैसे ही होता है हमारा आवेश, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए करा था। तो क्या करेंगे, ये हमारा मानो कोई आवेश है, आवेश क्यू है, माने ये कोई आवेश क्यू है, हमने माना ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब इसका कोई क्षेत्र है जिसमें हम दूसरे आवेश को लाएंगे तो वो इस पर बल लगाएगा। बल कैसे लगाएगा, अगर हम कोई प्लस आवेश लेके आ रहे हैं तो वो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और कोई माइनस आवेश लेके आएंगे इस क्षेत्र के अंदर तब वो लगाएगा। अगर इस क्षेत्र के बाहर है तो कोई कैसा भी आवेश ले आओ, उससे उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कोई आवेश अगर हम माना ये आवेश लेके आए हम प्लस, ठीक है, कोई आवेश प्लस लेके आए, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण एक दूसरे को फेंक देंगे दूर दूर। अब फिर क्या होगा अगले में, माना हम कोई माइनस आवेश लेके आए जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है, आवेश होता है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव चुपक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र ही बता रहा था मैं तुम्हें, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। मैं बहुत ही इजीली करके तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि तुम्हारे अच्छे समझ में आएगी। अब देखो इसको डिलीट करना, किसी विद्युत आवेश, ये माना कोई हमारा विद्युत आवेश है, ठीक है, चारों ओर का ये इसका क्षेत्र है, ठीक है,
ये बीच में रखा है हमारा, और ये इसका चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक उसका प्रभाव होता है। अब इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव इस गोले में है, इसके बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका प्रभाव बस इतने इस गोले में है। ठीक है, अब क्या करेगा? उसका प्रभाव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये एक विद्युत क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव होगा। ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, ये मैंने तुम्हें इससे पूरा समझा दिया। एक और बार समझ लो, किसी विद्युत आवेश की, ये हमारा विद्युत आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब अगला पॉइंट जान लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारा क्यू आवेश होता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके किसी बिंदु पर, मानो ये हमने एक बिंदु ले लिया, इस पे रखा एक धनावेश, मतलब एकांक धनावेश। ठीक है, एकांक धनावेश, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो एक माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्लस प्लस हो जाएगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो मान एक क्यू नॉट आवेश हमने यहाँ रख दिया, कितनी दूरी पे? आर दूरी पे। तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, एकांक धनावेश ये रहा, ये जितने बल का अनुभव करेगा, ये जितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम उस बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर रखा है, तो उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, लिखते हैं हम विद्युत क्षेत्र के तीव्रता किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का, अनुभव करेगा, उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब ये हमारा क्यू आवेश है, इसने एक विद्युत क्षेत्र बना रखा उसके किसी बिंदु पर, माने ये हमने किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश। एकांक धनावेश क्या होता है? हमारा परीक्षण आवेश होता है ना, क्यू नॉट, वैसा वाला एकांक धनावेश, जितने बल का इसके द्वारा इस पर कितना बल लगाया गया है उसके अनुभव करेगा, मतलब जितना बल इसके द्वारा लगाया गया है वो जितने बल का अनुभव करेगा, उसे उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q नॉट। कैसे आया E बराबर, वो जो है कैसे आया, मतलब ये कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि एकांक धनावेश, मतलब एक परीक्षण, सॉरी, परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, उसे हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, ये हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसको हमें अच्छे से याद करना है, ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब इसका क्या करेंगे, हम SI मात्रक निकालेंगे। क्या करेंगे? SI मात्रक निकालेंगे इसका।
अब इसका एस एन मात्रक कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमारा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या हमारा बल, उसको किससे करते हैं हम, न्यूटन एम से प्रदर्शित करते हैं। और तुम्हें क्यू नॉट हो या क्यू नॉट हो या क्यू हो, उसे कहते हैं आवेशी है, तो आवेश को क्या कहते हैं हम, कूलॉम, ऐसा ही। तो इसको क्या कह देंगे हम, न्यूटन इनवर्स, कूलॉम इनवर्स, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, ये इसका एस आई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये पूछे ये भी लिख दोगे तो भी यही है। और कई न्यूमेरिकल में हमें ये इसके पीछे लिखा आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी हुई होती है ऐसे करके, क्योंकि हम किसी की भी तीव्रता, मतलब बहुत सी जो होती हैं हमारी कंडीशन होती है, वैल्यू होती है, वो हमें पता नहीं होता है। तो हमें अगर इनका ऐसा ही मात्रक पता होगा तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि ये उस चीज का मात्रक है और ये वो चीज है। ठीक है, जैसे कि ये न्यूटन कूलॉम इनवर्स हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला हमारा और आता है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन ही बने। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला आता है कूलॉम के नियम से जो बना था हमारा, तो उसे लिखते हैं हम यहाँ। अभी ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब क्या है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण क्या है हमें ये बताना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो हम यहाँ उसको डिफाइंड करेंगे जिससे हमारा अगला बनेगा। तो एफ बराबर क्या होता है कूलॉम के नियम से, के क्यू वन क्यू टू, क्यू टू नहीं लेंगे हम, क्यू वन तो हमारा वो हो जाएगा एक, हम क्यू नॉट लेंगे जो हमने आवेश इसमें लिया है, परीक्षण आवेश और इसकी आर स्क्वायर। ठीक है, हमने भी मत देखी दूरी हमारी उसके वर्ग के वो होती है ना स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये हमारे कूलॉम के नियम से, तो इसमें क्या करेंगे, इसे हम समीकरण दो मान लेंगे। अब समीकरण दो की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे, हम यहां करेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, अब यहां क्या होगा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट हो गया। अब एफ की वैल्यू हमें पता है ये रही, तो हम एफ की वैल्यू यहाँ इसको रख देंगे, तो ये हमारा इससे हमने एफ की वैल्यू इसमें रख दी। अब क्यू नॉट को हम वैसा का वैसा ही रख देंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ये IMP, सॉरी IM, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन मैंने आपको ऐसे समझा दी। ये पूरा कुछ नहीं है, मैं एक टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो कोई फिर देखता नहीं है यार, क्या फायदा है फिर वीडियो लंबी भी करो, कोई देखे भी ना तो उसका कोई मतलब रह जाता नहीं है। अब क्या है कि हम एक टॉपिक इसमें बता रहे हैं तो कोई पढ़ेगा कोई देखेगा अगर ये वीडियो, तो वो क्या है कि एक टॉपिक को तो समझ के जाएगा कम से कम। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये हमने इसका फॉर्मूला निकाला। अब फिर अगला जो है हमारा, जो इससे फॉर्मूला निकल रहा है ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी हमें पूछा जा सकता है, वैल्यू के हिसाब से हमें लगाना है, अगर हमें एफ पूछा है ठीक है, और एफ की वैल्यू अगर क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है, तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर टॉपिक मैंने तुम्हारा कर चुका हूँ। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि इसमें ये जो है हमारा वो विद्युत क्षेत्र है, सॉरी इधर बता रहा हूँ, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और क्यू आवेश है, स्रोत आवेश, राइटिंग ऐसी है जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, और आर क्या है उनके बीच की दूरी। आर हमारे बीच की, सॉरी है, आर बीच की दूरी हो गई, ई हमारे विद्युत क्षेत्र हो गया, के तुम्हें पता ही है कि एक
स्थिरांक है, कॉन्स्टेंट है, जो कि मैंने वो वीडियो में तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, ठीक है। ये हमें k की वैल्यू हमें रख देनी है, खुद से याद करनी है, ठीक है। तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।